वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद अब ज्ञानवापी में तहखाने पर पूजा कर अधिकार पर अब कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी हैं। विष्णु जी, जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट आई और हिंदू मंदिर के साक्ष्य प्रमाण हो गए वैज्ञानिक तरीके से, अब जो तहखाने पर पूजा का अधिकार है उसको लेकर कोर्ट में क्या सुनवाई हुई आज? देखिए, हमने माननीय न्यायालय में बहुत पहले ही ये प्रार्थना पत्र दिया था कि जो व्यास परिवार का तहखाना है उस पर अंजुमन इंतजामिया कभी भी कब्जा कर सकता है, इसलिए डीएम वाराणसी को उसका रिसीवर नियुक्त किया जाए और साथ ही साथ वहाँ पे पूजा पाठ का आदेश दिया जाए। जो नंदी भगवान के ठीक सामने बैरिकेडिंग है उसको काट के वहाँ से गेट निर्मित किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 17 जनवरी 2024 को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने आदेश पारित किया कि वहाँ पर रिसीवर नियुक्त किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी उसका रिसीवर नियुक्त किया। पर जो हमारी दूसरी प्रार्थना थी, दूसरी प्रेयर थी कि वहाँ पे पूजा पाठ का आदेश दिया जाए, उस पर कोई आदेश नहीं आया था। तो आज मैंने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया कि दूसरी जो प्रेयर है उस पर भी कोर्ट अपना आदेश पारित कर दे, और आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और कल की तिथि निर्धारित की है जजमेंट के लिए। बात की जाए तहखाने के दृष्टिकोण से, तो तहखाना इस ज्ञानवापी के पूरे स्वामित्व के अधिकार पर कितना मजबूत जो है साक्ष्य प्रमाण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर 1993 तक वहाँ पूजा हो रही थी। ऐसी कोई मस्जिद नहीं हो सकती है जिसके ग्राउंड फ्लोर में पूजा पाठ होती चली आए। वो पूजा पाठ एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का मिस उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए, बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वो पूजा पाठ रोक दी थी, और आज उसी इलीगल काम को हम रेक्टिफाई करने के लिए कोर्ट आए और ये मांग की है कि उस पूजा पाठ को पुनः स्थापित किया जाए, पूजा पाठ दोबारा शुरू की जाए, और कल हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। तहखाने के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रमाण भी हैं जो कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म और साथ में जो मंदिर है उसके प्रमाण देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे तहखाने हैं जिसमें बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। हनुमान जी की मूर्ति मिली है, गणेश भगवान की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है, एक अर्घा मिला है बिना शिवलिंग के, बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, राम जी का लिखा हुआ पत्थर मिला है जिसमें भगवान राम लिखा हुआ है ऐसा पत्थर मिला है, और भी क्या कहते हैं मछलियाँ मिली है, अलग अलग चिन्ह मिले हैं जो हिंदू मंदिर के चिन्ह होते हैं, तो दोनों, और साथ ही साथ एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ये जो थ्योरी लोग कहते थे कि ये अकबर के समय की बनी हुई मस्जिद है, उस थ्योरी को डिमोलिश करता है क्योंकि उस पत्थर में लिखा हुआ है कि ये 1676 में औरंगजेब ने बनवाई, जिसका रिपेयर हुआ था 1792 में। इस शिलालेख को उन लोगों ने आधा तोड़ दिया था, आधा शिलालेख उन्हीं की मस्जिद से स्टोर रूम में बरामद हुआ एएसआई को। एएसआई के पास इसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ थी 1965 की, एएसआई नागपुर के पास, जिसका एएसआई ने ट्रांसलेशन और इंस्क्रिप्शन सारी बातें लगाई हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत ही कंक्लूसिव रिपोर्ट है और एएसआई ने वही बातें कही हैं जो वहाँ पे स्पॉट पे सच दिख रहा है। ये जो पूजा का अधिकार की बात कर रहे हैं आप, तो तहखाने में आप क्या पूजा का अधिकार नियमित रूप से रोज की मांग करते हैं? जी बिल्कुल, रोज की पूजा की, पूजा तो रोज हो ही रही थी और वो पूजा रोकी गई है, तो रोज पूजा का अधिकार की मांग कर रहे हैं और ये मांग की है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे पूजा पाठ कराए। आप चाहते हैं काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा ये पूजा पाठ की जो प्रणाली है वो शुरू की जाए वहाँ पर? जी बिल्कुल, इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया था, आज सुनवाई होगी, कल आदेश आए। एक सवाल और है कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, क्योंकि कानून के जानकार आप भी हैं वो भी हैं, वो लगातार हमारे सामने इस बयान को लेकर आ रहे हैं कि एएसआई एक तरफा काम कर रही है, दबाव में काम कर रही है। देखिए, जो लोग सच को झुठलाना चाहते हैं वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। अब ये बताइए, अब मुझे हनुमान जी की मूर्ति मिल रही है तो कोई भी आदमी उसको देख के कह सकता है ये हनुमान जी की मूर्ति है? अगर शिवलिंग मिल रहा है, कृष्ण भगवान की मूर्ति मिल रही है, लड्डू गोपाल मिल रहे हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति मिल रही है, तो कोई भी आदमी कहेगा ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसमें एक पक्ष की बात ही नहीं आती। और एक बात और बताना चाहता हूँ, एएसआई ये एक तर्क दिया गया कि यहाँ पे हमने मूर्तिकार रखे तो जो किराएदार थे उन्होंने फेंक दी। एएसआई ने इसकी डेटिंग की है इन सारी मूर्तियों की, और पोस्ट मिडिवल पीरियड का मतलब 200-300 साल पहले की ये मूर्तियाँ बताई गई हैं। तो ये सारी बातें आप एएसआई पे आरोप लगा सकते हैं, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपना काम निष्पक्ष रूप से किया है, हर एक चीज़ की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है, पूरी वीडियोग्राफी तैयार हुई है, और एएसआई की टीम में मुस्लिम पक्ष के लोग भी थे। एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें भी 2 मुस्लिम मेंबर्स थे, तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप एएसआई निष्पक्ष नहीं थी। और एएसआई की निष्पक्षता पे तो पूरी कमीशन की कार्रवाई के दौरान सवाल नहीं उठाया गया, ये तो रिपोर्ट आने के बाद आप एएसआई को बायस कह रहे हैं। और एएसआई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एएसआई कैसे बायस है? अगर हनुमान जी की मूर्ति मिल रही है तो क्या कहेगा कोई भी आदमी हनुमान जी की मूर्ति नहीं है? ये जो सच है वही सच उस रिपोर्ट में लिखा हुआ। बीएचयू के एएसआई के एक्सपर्ट ये मान चुके हैं कि इस एएसआई की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ आप बजूखाने के सर्वे की भी बात कर रहे हैं, आपने याचिका भी डाल रखी है, तो वहीं पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद यासीन, वो कहते हैं कि हम वजूखाने का सर्वे तो कराने देंगे पर फवारा चालू करने की इजाज़त दी जाए।
मैं वही कह रहा हूँ ना कि फव्वारा चलाने की उनको इजाज़त तब मिलेगी ना, पहले ये तय हो जाए कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। आप हमारे शिवलिंग को फव्वारा कह रहे हैं, आपने हमारे शिवलिंग को खंडित करने का काम किया, अब आप क्या कहते हैं, चाहते हैं कि पहले शिवलिंग बिना तय हुए फव्वारा चल जाए? तो वही तो एएसआई देखेगी सारे दीवारों को तोड़ के, उसके फीचर्स की स्टडी करेगी और ये समझ में आएगा कि वो कितने नीचे तक गया हुआ है। आप किसी शिवलिंग को तोड़ दें, उसको खंडित कर दें, उसमें 2.5 सेंटीमीटर का छेद कर दें, उसमें ऊपर से चक्री रख दें और कहें ये फव्वारा है, तो ये आपका नज़रिया हो सकता है। पर जो सनातन नियम है वो यही है कि वो शिवलिंग है, जो शिवलिंग बहुत नीचे तक गया हुआ है और उसकी जांच की हमने मांग की, तो पहले ये तय हो जाए कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। अगर फव्वारा निकलेगा तो उनको हम क्या, हर आदमी उनको चलाने की इजाज़त देगा? तो पहले इस बात के, इसके लिए तो इजाज़त वो कोर्ट में कहें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अंजुमन इंतजामिया कंट्रडिक्टरी बातें कर रहा है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को जांच के आदेश दिए थे तो अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा ये जांच नहीं होनी चाहिए। आज तो मुझे आपकी बात सुन के बहुत खुशी हो रही है कि अंजुमन कह रहा है कि हम इसको चलाने की, हम इसको जांच की इजाज़त देंगे। तो मैं चाहता हूँ यही बात वो कोर्ट में कहें और कहें कि जॉइंट रिक्वेस्ट है दोनों पक्षों की, वहाँ पे जांच हो जाए। उनको अपनी बात पे यकीन है कि फव्वारा है, मुझे मेरी बात पे यकीन है कि शिवलिंग है, तो उसकी जांच हो जाए। हम तो जांच ही मांग रहे हैं और जांच के बाद हम आगे की प्रक्रिया में बढ़ेंगे। क्या उम्मीद करते हैं कब तक ये एसआई की जांच एक बार फिर से वजूखाने में हो सकती है? देखिए, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी है 4 महिलावादियों की तरफ से, और एप्लीकेशन को जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चालू है और बहुत जल्दी उसमें कोर्ट के सामने हियरिंग पे आएगा। तो जल्दी वजूखाने में भी एएसआई का सर्वे हो सकता है और साथ ही तहखाने में, जो कि पूजा के आदेश के लिए लगातार अप्लाई किया जा रहा था कोर्ट में, उस पर भी कल कोर्ट आदेश दे सकती है पूजा के अधिकार के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।